हाँ रवीश कैसे हो? मैं फर्स्ट क्लास जितना हो सकता हूँ इस थैंक दौर यू में। रवीश यार। नहीं वो हाँ तो अलग बात है, मगर मगर रवीश थैंक यू। मंडे नाइट 10 बजे, फुल डे, फर्स्ट डे ऑफ द वीक, थैंक यू फॉर हाँ टेकिंग द टाइम। लेकिन कितने दिनों से हम लोग टालते जा रहे थे और नहीं वर्कआउट कर रहा था, कभी ना कभी तो करना ही। नहीं कभी कभी हाँ, मगर चलो आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज आई वॉन्टेड कि माई लिटिल स्टार्टअप एज आई कॉल इट 100th एपिसोड विद रवीश, फॉर्मर कॉलीग बट ऑफ कोर्स अ वेरी रिस्पेक्टेड जर्नलिस्ट, मीडिया पर्सनैलिटी, ऑथर एंड काउंसलिंग भी करते हैं बीच बीच में रवीश, उसके बारे में भी बात करेंगे। मगर आज का दिन कैसा रहा? मेरा तो कोई भी साल हो, कोई भी महीना हो, कोई भी दिन हो, वो एक ही जैसा होता है। जी सुबह उठता हूँ और पहली चीज जो दिमाग में आती है कि आज का शो क्या करना है, कैसे करना है, उसमें क्या होना चाहिए, उसी के रिसर्च में फॉर्मेट बनाने में ही सारा वक्त चला जाता है और वही करता रहता हूँ, दिन भर टाइप करता रहता हूँ। तो कुछ फर्क नहीं पड़ता मंडे कैसा होता है और फ्राइडे कैसा होता है, सब एक ही दिन होता है। बल्कि किसने मैं तो सब सोचता हूँ कि सारे दिनों के नाम अब एक जैसे होने चाहिए, एक ही होने चाहिए। कितने शब्द टाइप हो जाते हैं अब? मैंने जो पिछली बारी बात किया था तो मेरा ख्याल कितने 6,000 कितना बोला था आपने, हाँ ऐसे ही कुछ इतना बोला आराम था। से हो जाता है, 6-7 हज़ार। और ये तो लिखने में, फेसबुक पोस्ट करने में, बहुत लोगों को हाथ से लिख के ही जवाब देता हूँ, तो इन सब में वो अब बहुत मैकेनिकल मैकेनाइज जैसा हो गया है। पूरा बॉडी थॉट प्रोसेस ही इस तरह से चलता है कि कोई कोई भी बात कर रहा होता तो उससे मैं लिख के ही बात करता हूँ। अब मैं तो अब होता नहीं है, बेसिकली अब हाथ में बहुत दर्द हो जाता है, शरीर में बहुत दर्द हो जाता है, लेकिन अब करना है कर रहे हैं। लेकिन शुरू में टाइपिंग की स्पीड थी, लिखने में मजा आता था। अब कई बार इश्यूज के रेपिटिशंस भी हो जाते हैं, तो उसमें लगता है कि अब फिर से वही लिख रहे हैं, फिर से अब हम क्या करें, उसमें कुछ नया ढूंढना पड़ता है। तो आज ये मैं हमने पूछने लगी थी, हाँ इतने सालों से रवीश वो शो चल रहा है, चल रहा है, हम लोग आए हम लोग गए, मगर रवीश चल रहा है, सो हाउ डू यू कीप योरसेल्फ मोटिवेटेड? कोई रास्ता नहीं है। कोई लॉटरी तो मिलती नहीं जिंदगी में कि आप वो लॉटरी निकल जाए और बैग पैक करके आप कहीं पहाड़ों पे चले जाएं 6 महीने के लिए। ये जिंदगी तो इस धरती पे बहुत कम लोगों को मिलती है, सबको काम करना पड़ता है, डेली काम करना पड़ता है और अर्न करना पड़ता है। आइडिया का कुछ पता नहीं होता है कि जैसे आज ही हम कर रहे थे तो बात वही थी, लेकिन 2013 में इंडियन करेंसी डॉलर के मुकाबले कैसा था और अभी ये जो आज जो हुआ है डॉलर जो 77 रुपीज से ज्यादा हो गया है, तो हमने एक करेंसी कबड्डी इन्वेंट किया कि एक अकेला डॉलर एक तरफ है और इधर रुपए ने अपने 77 भाइयों को बुला लिया है कि आ जा इस डॉलर से कबड्डी खेलनी है, और वो कबड्डी जीत नहीं पाता है रुपया। तो वो एक जो दर्शक ही हैं और बड़े अच्छी नीयत के व्यक्ति हैं, तो उन्होंने अपना टाइम निकाल के अपने सॉफ्टवेयर से एनिमेशन भी बना दिया मेरे लिए, और वो थोड़ा लगा दिए तो एक दर्शक को बात समझ में आती है कि क्या है, और पुरानी पॉलिटिक्स का। तो इस तरह से रोज कुछ ना कुछ एक नया स्ट्राइक कर जाता है, कभी कभी बिल्कुल नहीं करता है। इसकी इसकी फ्रिक्वेंसी अब ज्यादा होने लगी है, पहले रोज ही कुछ ना कुछ हो जाता था, लगता था कि ठीक है इसे, लेकिन अब किसी किसी दिन लगता है कि नहीं आज नहीं होगा, मतलब आज बंद कर देना चाहिए। और जब रवीश मैं ये कहता हूँ कैमरा तो हाँ थोड़ा ऊपर, कैमरा थोड़ा ऊपर, कैमरा तो हाँ, बढ़िया। अब लोग समझते नहीं है, लोगों को लगता है कि भाई मैं दुनिया का पहला आदमी तो नहीं हूँ जिसको बर्नआउट होता है, मुझसे पहले ये शब्द है, मुझसे पहले इसके ट्रीटमेंट्स हैं, ऐसा तो नहीं है कि मुझे ही सिर्फ बर्नआउट होता है और किसी को नहीं होता, दुनिया भर में लोगों को होता है। तो चलता रहता है, उसी तरह से काम करते रहते हैं। वो हमने सुना था कि लोग पहाड़ों पे जाते हैं, वहां रहते हैं और वहां किताबें लिखते हैं, पर अब कहां ऐसा होता है। मैंने भी सुना था, मैं ये कहानी सबको सुनाती हूँ।
जब मैं अपनी किताब लिख रही थी देवेश, तो वो खान मार्केट में बैठी थी किसी के साथ लंच, तो वहां पे कोई और आदमी था, ही वाज अ राइटर, तो किसी को बाय बोल रहा था, चलो अच्छा मैं जा रहा हूँ हिमालय, जा रहा हूँ हिमालय, मैं किताब अपनी खत्म करके आऊंगा. मैं सोच रही हूँ मैं घर जा रही हूँ, उसके बाद घर पे बैठ के लिखूंगी. तो अपने अपने, मगर कोई किताब अब लिख रहे हैं? तो मैं डिस्कनेक्ट कर रहा हूं। अच्छा कल. हाँ, हाँ आज आज के लिए, 20 मिनट के लिए. मैं पूछ रही थी कोई किताब अभी लिखी जा रही है रवीश? नहीं, समय ही नहीं है। मैं अब इस वक्त तो अभी मैं फ्री हुआ हूं, अब फिर इसके बाद मैं लिखने जा, शरीर में इतनी ताकत बची नहीं है, मतलब उंगलियों में दर्द हो जाता है। अब कितनी रात तक करूंगा। थैंकफुली कोरोना के चलते थोड़ा फैमिली के साथ रहने के लिए ही रहता हूँ। दिन भर उसी लैपटॉप में घुसा रहता हूँ, तो वो तो नहीं। अब किताब के लिए हमारे दोस्त भी कहते हैं किताब लिखनी चाहिए, लेकिन उसका समय नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है समय वो कि कोरोना किताब के लिख। करके तो उस टाइम तो रवीश सब घर पे बैठे थे, तो घर पे भी क्या आपके परिवार को आदत हो गई थी कि अब रवीश कुमार घर पे ही बैठेगा हमारे साथ, कि ये हाल था कि अब रवीश कुमार आप ऑफिस जाइए प्लीज? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि जब से प्राइम टाइम करना शुरू किया, और मैं कभी प्राइम टाइम जैसे रात के 9 बजे की एंकरिंग के बारे में नहीं सोचता था। वो शायद इसलिए भी कि घर लौटते लौटते 12 बज जाता है और 11 बज जाता है। ये जिंदगी मुझे नहीं चाहिए, जब तक कि आप दफ्तर के ठीक पीछे ना रहते हो, कि आप चले जाएं और दोपहर में टहलते हुए आ जाएं, फिर चले जाएं, और ऐसे आराम से आपकी जिंदगी कटती हो। तो कोरोना के समय जब मैं घर में रहा, तब मुझे पता चला कि मैं इस घर में कितना कम रहता हूँ, और इस घर के हर कोने में मैं कितना कम हूँ। तो वो एक बड़ा गिल्ट सा हुआ, वो मुझे पता था कि मैं कम रहता हूँ, और फिर मुझे लगा कि शायद घर पे ही काम करने से कम दिखूंगा, थोड़ा काम में इंटरेस्ट लेने लगा, वो अच्छा था। लेकिन समय ही नहीं मिलता है, मतलब किताबें पढ़नी होती हैं, और मतलब ये लंबा लिस्ट है, मतलब मैं कुछ तो उस मामले पे पूरा फेल वाला रिकॉर्ड है वैसे। तो तो अब वर्क लाइफ मैं घर पे रहता बैलेंस हूँ। कैसे? नहीं, कैसे करेंगे, रात को 11 बजे दफ्तर से लौटेंगे तो कौन सा बैलेंस कर लेंगे, वो तो तराजू ही नहीं मिलने वाला है, कहाँ तराजू रख दी गई है। सारे बच्चे सो चुके होंगे, तो हम बैलेंस क्या करेंगे 11 बजे रात को। चारों तरफ ट्रोल हो रहा है शो को लेके, उसी के रिएक्शंस आ रहे हैं, तो वो शो कभी खत्म नहीं होता है। वो रात को सोते सोते तक कोई मैसेज, अभी भी कोई मैसेज कर रहा है कि आपने 58 बोला वो 68 था, 68 बोला वो 58 था, जबकि इतना ध्यान रखते हैं। तो इसलिए और फिर सुबह उठ के ही मैं लिखना चालू हो जाता हूँ 7 बजे 8 बजे के बाद। तो ये मैं इसलिए बताता हूँ कि जब मैं लोगों से मिलता रहता हूँ, तो मुझे अचानक लगा कि लोगों के मन में ऐसा भ्रम है कि ये जैसे 80% न्यूज एंकर जो दिन भर में आधा घंटा काम करते हैं, वैसा ही लोगों ने मुझे भी समझ रखा है। तब मैंने बताना शुरू किया कि मैं इतने वर्ड्स टाइप करता हूँ, इतना पढ़ता हूँ, उसके बाद भी एक एवरेज जैसा शो बन पाता है, ऐसा कोई ग्रेट नहीं है। लेकिन ये दो लोगों को बिठाकर ये वाला अगर शो करना हो तो टाइम ही टाइम है। आप मुझे लंच पे बुलाइए, ब्रेकफास्ट पे बुलाइए, मैं दिन भर शहर में घूमता रहूंगा, और 8 बजे दफ्तर आऊंगा, कपड़े पहन लूंगा और मेकअप कर लूंगा, शर्ट चेंज करूंगा, एक कोट लगा के शो कर दूंगा। इसमें क्या है, दिग्विजय सिंह ने कह दिया और फलाने इधर संबित पात्रा ने कह दिया, इस तरह का कुछ भी। आप डिबेट शो में कितना टाइम लगता है, आधा घंटा, और 1 मिनट मेकअप का और 2 मिनट सीढ़ी चढ़ने का स्टूडियो का, तो 33 मिनट्स लगता है शो करने में टोटल। लेकिन बिजी बॉडी रखना पड़ता है न्यूज रूम में, कि आप बहुत बिजी हैं, डिबेट शो कर रहे हैं, वेयर इज माई गेस्ट, वेयर इज माई, व्हाट इज माई टॉपिक, ये सब। लेकिन मेरा रूट थोड़ा लंबा हो गया, तो मैं फंस गया, मेरी गाड़ी फंस गई। तो इसमें बहुत रिसर्च करना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है। बात भी मैं वैसे लोगों से करता हूँ जो मुझे कुछ कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, जो बताते हैं कि हाँ इसका रेफरेंस यहाँ से ले सकते हो। तो पूरे दिन भर का लाइफ इसी में लगा रहता है। बाहर से देखने पे बहुत बुरा है, और मैं नहीं कहूंगा कि किसी को इतना काम करना चाहिए। रवीश, अभी मैं सारे कमेंट्स को एक्चुअली तो ये कमेंट्स लाइफ को में नहीं हाँ होता है, वर्क और
और होम लाइफ का बैलेंस तो बहुतों की जिंदगी में नहीं है, ये बात फेयर है। और ये बात सिर्फ अपने कॉन्टेक्स्ट में कभी नहीं कहना चाहिए कि मेरे लाइफ में नहीं है, हजारों लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी में ये चीज नहीं है। लेकिन हाँ, मुझे लगता है कि ऐसी कोई चीज होनी चाहिए कि आप एक खास वक्त पे घर आ सकें। पर हम तो टेलीविजन में आ गए तो रात को 12 बजे तक लोग टीवी देखते हैं, तो अब हम तो कोई एग्जिट डोर है नहीं इसका। उसका भी फेज होता है, फेजेस, राइट रवीश? अब इस फेज में फिर आप कैसे, मतलब हर फेज में एवरीबॉडी इवॉल्व्स, आगे बढ़ते हैं, चेंजेस आते हैं, उसी फेज में फिर इंस्पिरेशन कम रह जाती है ना। हाँ, मुझे मुझे लगा कि मुझे जिंदगी के जो दूसरे तरीके हैं वो मुझे आता नहीं है। मैं किसी के घर भी जाता हूँ, मुझे देख के उसी तरह से प्राइम टाइम की तरह बातें करने लग जाते हैं और मैं भी वही बातें करने लग जाता हूँ। तो मुझे मालूम नहीं है कि दूसरे तरीके से कैसे, और मेरी जिंदगी में इसके अलावा कुछ है नहीं। तो जब तक कहीं जाके पहाड़ नहीं देखूंगा, पेड़ नहीं देखूंगा, तो मैं बात पेड़ और पहाड़ के बारे में कैसे करूंगा। तो अभी सैटरडे संडे को, और ये सब मैं कोई दुखी आदमी नहीं हूँ, मैं ऐसे बता रहा हूँ कि लोगों को थोड़ा पता होना चाहिए कि, और मैं नहीं चाहता कि किसी को ये जिंदगी जीना चाहिए, क्योंकि जो लोग मुझ पे गिल्ट डाल के चले जाते हैं, वो तुम नहीं करोगे तो कौन करेगा। उनको एक दिन मैंने देखा कि बड़े आराम से खान मार्केट में वाइन बॉटल ओपन है और अच्छी इवनिंग एंजॉय कर रहे हैं, और मैं परेशान परेशान भागा भागा जा रहा हूँ वहां से किसी किताब को लेने, किसी से मिलने के लिए, और चाय पीने के लिए भी मेरे पास किसी के साथ वक्त नहीं है। तो हो गया, ये कैसा बन गया। लेकिन इससे बहुत चीजें मिली भी, आप दूसरे साइड से देखिए तो बहुत कमजोर आदमी था, बहुत कम जानकारी थी, उन सब को, अपने वीकनेसेस को समझना, फिर चीजों को, नई नई चीजों को पढ़ना, करोड़ों लोगों के बीच अपनी लिखी गई बात को उस कॉन्फिडेंस के साथ डरते डरते पेश कर देना, और बहुत सारा प्यार मिला। तो वो एक चीज है, लेकिन अंत में जब आप घर लौट कर आते हैं और आपको पता चलता है कि आप इस घर की में बहुत कम है, तो वो सारी चीजें बेकार लगने लग जाती हैं। मगर रविश, वो जो प्यार मिला जो आप कह रहे थे, और वो सारे, मैं कमेंट्स ऑफ करने वाली थी पर इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं आपके लिए, इसलिए मैंने छोड़ दिया। मगर जो प्यार, जो रिस्पेक्ट मिला, कभी आपको ऐसा लगा कि इसको मैं कैसे हैंडल करूं? नहीं, क्योंकि वो प्यार ही लोगों को मिला तो बहुत ज्यादा, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ इस जिंदगी का कि लोगों ने बहुत प्यार दिया मुझे। मैं शायद इतना डिजर्व भी नहीं करता हूँ, लेकिन लोगों ने प्यार दिया बहुत। और कभी लोगों ने अपने आप को चेक नहीं किया कि वो मुझे कुछ भी, मैं अभी काठमांडू से आ रहा था तो एक लेडी से मिला और वो मुझे देख के ही बोली कि उतरते के साथ उन्होंने कहा कि हमने तो सोच लिया था कि आप जब आपसे आपको जब देखा तो आपको घर तक लेके जाएंगे। तो मैं एयरपोर्ट पे साथ साथ आया, तो मैंने कहा मैं तो नहीं जाने वाला आपके साथ, मैं टैक्सी ले रहा हूँ और मैं जा रहा हूँ अपने घर। उन्होंने कहा नहीं, 5 मिनट के लिए चलिए आप, हम अपनी गाड़ी से छुड़वा देंगे। तो और उनके हस्बैंड ने भी कहा सिर्फ 5 ही मिनट लगेगा, हम बाहर से ही आपको छुड़वा देंगे, हम घर नहीं लेके जाएंगे। लेकिन उनको लाना था और मुझे जाना था, तो ऐसे अपने घर ले गए और घर में बैठ गया। और फिर थोड़ी देर के बाद शिकंजी आने लगी और फाफड़े खिलाने लगे और मैं भी खाने लगा पीने लगा। तो मुझे मालूम नहीं किसका प्यार कब कहाँ किस ओर खींच कर ले जाएगा, ये मुझे पता नहीं होता। और कब किस रूप में कोई चाहने वाला इतना मिल जाएगा जो आपको एनर्जी देता है कि नहीं नहीं जो तुम कर रहे हो वो ठीक है, उसकी ज़रूरत है, वो लोगों की ज़िंदगी में उसका बड़ा योगदान है। तो फिर ये भी एक जो डाउनसाइड जाता है, मूड स्विंग करता है, उसको बैलेंस तो कर ही देता है। रवीश, अभी जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट आई थी, 150 इंडिया श्रिंकिंग श्रिंकिंग, इस माहौल में जैसे मैंने कुछ दिन पहले एक्चुअली वीर सांगवी से भी बात करी थी और मैंने उनसे पूछा था कि अगर वो आज के माहौल में जर्नलिज्म करते तो कैसा रहता। वो कह, वीर सांगवी ने मुझे कहा वो जाते ही ना जर्नलिज्म में। आप क्या करते? देखिए, वो क्या कहते हैं उनपे तो मेरी कोई राय है नहीं अपने पे। आपकी राय क्या है? आपकी राय क्या है आज के जर्नलिज्म की?
मैं इसपे अपनी राय तो दुनिया भर में कहता रहता हूँ। मैं एक ही लाइन में कह सकता हूँ कि हिंदुस्तान की पत्रकारिता एक ऐसी चीज है जिसके बारे में आप दुनिया में सर उठा के नहीं बोल सकते। आप इस देश के किसी फल के बारे में, किसी फूल के बारे में, किसी तालाब के बारे में, किसी नदी के बारे में सर उठा के बोल सकते हैं, लेकिन इस देश के मीडिया के बारे में आप सर उठा कर नहीं बोल सकते। ये तो किसी जो इतने लायक नहीं कि इसके बारे में बात भी की जाए, लेकिन बात करनी पड़ती है क्योंकि एक बड़ी आबादी को ये बर्बाद कर रहा है। बच्चे हैं जिनके पास देयर इज अ ड्रीम टू बिकम अ जर्नलिस्ट, उनको क्या कहेंगे? उनको अपने सपनों के लिए उन्हें कुर्बानी देनी पड़ेगी। कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बचेगा नहीं, बचा नहीं है। साबुन तेल बेचने वाले ज्ञान दे रहे हैं आजकल। मैं देख रहा था कि फ्रीडम ऑफ स्पीच देश की डिग्निटी के नाम पर आप नहीं बोल पाएंगे। आप हैं कौन साहब? कहाँ थे इतने दिनों से? ये बात आप किस कॉन्टेक्स्ट में कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं? ये तो आपका बिजनेस है नहीं। ये देश की डिग्निटी क्या कंडीशन है ये तो हमें पता नहीं है कि आपका बिजनेस कैसे, किस आधार पर खड़ा है या नहीं खड़ा है, लेकिन आप बोल रहे हैं इस तरह से। तो कोई भी आके कुछ भी कह रहा है, और जो भी है, अगर उनका मतलब है कि ये जो गोदी मीडिया कर रहा है, ये जो कूद रहा है, तो बड़ी अच्छी बात है। अगर उनके उनकी बातों का ये मतलब है, तो हमें समझ में भी आएगा कि जो लोग जिनके पास पैसा है, जो ऑर्गेनाइजेशन खड़ा कर सकते हैं, वो सीरियसली इसमें सोच रहे हैं, अगर उनकी बात का ये मतलब है तो। लेकिन कहाँ जाएंगे उन नौजवानों से? मैं यही कहता हूँ कि अगर आपको टीवी जर्नलिस्ट बनना है, तो एक हफ्ता आप टीवी चैनल खोल कर देख लो और बताओ कि किसके रोल में अपने आप को फिट पाते हो, कौन सा काम करना चाहते हो, फिर आपको जवाब मिल जाएगा। क्योंकि आप कोई क्लास 12th के तो बच्चे हैं नहीं, आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं, कर रहे हैं, आपको देश दुनिया के बारे में सब खबर है, तो इसकी बारे में भी खबर है। लेकिन बहुत चिंता होती है कि प्रोफेशन जो इतना अच्छा था, उसके अपने बहुत कमियां थी, रहती हैं, क्योंकि ये बहुत ही रिसोर्स रिक्वायरमेंट का मीडियम है। जब तक बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट या बड़े एडवर्टाइजर्स या जो भी जिनके पास पैसे होते हैं, वो अगर नहीं आएंगे, अगर नहीं कंट्रीब्यूट करेंगे, अब वो आने के बजाय इस तरह की बातें करेंगे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच देश की डिग्निटी पर नहीं होनी चाहिए, तब तो बड़ी विचित्र बात है। तो फिर अब किससे उम्मीद करेंगे? जिसके पास पैसा है, वो अगर वो अपने पैसे का इस्तेमाल जर्नलिज्म को बर्बाद करने में कर रहा है। पहले के उद्योगपति होते थे जो जिन्होंने जर्नलिज्म के स्पेस को खरीदना शुरू किया, इसलिए कि मेरे खिलाफ खबर नहीं छपेगी। अब दौर बदल गया है। अब उद्योगपति जो है वो हर चीज खरीद ले रहे हैं कि हमें खबर छपने की जो का जो पेशा है उसी को खत्म कर देना है। तो अब कोई क्या कर सकता है? चलना तो इस फील्ड को पैसे से ही, अगर पैसे वाले का किरदार इतना गिर जाएगा तो अब क्या कर सकते हैं? तो मैं यही बात कहता हूं कि भाई, आप बहुत सारी चीजें हैं इस देश में गर्व करने के लिए, ऐसी बात नहीं है। मीडिया को लेकर आप गर्व नहीं कर सकते। आप सर उठा के चल कर दिखाइए, फिर मैं भी देखता हूँ कहाँ चल। लोगों को मालूम है कि हकीकत क्या है इस देश के मीडिया में, इसमें बोलना क्या है। बहुत तो रविश, कई सारे बारी लोग लिख रहे हैं कि मैं दर्शकों की तरफ ध्यान नहीं दे रहा हूँ। नहीं, ऐसी बात नहीं है। अब यहाँ पे कैसे हम ध्यान दें? लेकिन अमृता हाय कह रही है, और कोई पीके के बारे में राय पूछ रहा है, मेरी उनके बारे में कोई राय नहीं है। मैं बहुत कम फॉलो करता हूँ क्योंकि अभी इनका कुछ विवाद विवाद हो जाता है। अभी कांग्रेस में गए थे तो लोगों ने बहुत सारी राय दी ही है, उनको हक है अपनी जिंदगी जीने का, अपनी स्ट्रेटजी और कदम उठाने का। तो कोई राय नहीं है। राय तब दी जाती है जब आप व्यक्तिगत रूप से जानते हैं, उनको बहुत फॉलो किया हो, तब आप अच्छे या बुरे के फ्रेम में आप राय देते हैं। मैं ज्यादातर इस तरह के पॉलिटिकल न्यूज़ से दूर रहता हूँ, कम ही पढ़ता हूँ और कम ही उलझता हूँ। तो मैं ठीक हूँ शिवम, और आप भी ठीक ही होंगे। आगे पूछिए जसना। नहीं कर दीजिए, मैं वेट कर, इट इज शो में, तो आई थिंक इट इज एन इंटरैक्टिव शो रविश,
जो गेस्ट जितना चाहे उतना जवाब दे सकता है। स्टैंड पे फोन रखा है, वो बड़ा कमजोर है, मुझे मालूम नहीं था कि इतना कमजोर स्टैंड है, दिखने में तो है तो ये लोहे जैसे चीज का, और झुक जा रहा फोन के वेट से, नहीं तो मैं लिखता राजस्थान से किसी का मैसेज था चला गया वो, कोई पूछ रहा जल्दी जल्दी मैं का बताइए कुछ, मैं उसके बारे में क्या बताऊं, जिस राज वो बिहार में एक प्रोजेक्ट बन चल रहा है, आपको पता है दुनिया भर में, एक बार मैंने प्राइम टाइम में कहा था कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी वालों को आके बिहार में रिसर्च करना चाहिए कि कैसे 16 से 24 साल के नौजवानों को यूनिवर्सिटी में घुसाकर बंद कर दिया गया है, और वो प्रोजेक्ट सक्सेसफुल है, किसी को पता ही नहीं चला कि उनकी जिंदगी इस तरह से बर्बाद कर दी गई, वो कभी भगवान के भरोसे रहते हैं, कभी किसी और के भरोसे रहते हैं, फिर अचानक जाति की बात करने लगते हैं, हर राज्य में होता है, इसी बात नहीं केवल बिहार में होता है, दो तीन यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जहां 3 साल का बीए 5 साल में होता है, 4 साल में होता है, अब ये बीपीएससी का एग्जामिनेशन का पूरा बिहार दे रहा होगा, बच्चों पर क्या गुजरी होगी, लेकिन 4 दिन के बाद सब भूल जाएंगे, वही चलता रहेगा, हिंदू मुसलमान, मेरी जाति तुम्हारी जाति, तो अब हम लोग उसमें अब कितना कर सकते हैं, और ये एक ऐसी बीमारी हो गई है कि जो समाज दिन भर सड़क पे बैठ के, हमारे एक मित्र ने लिखा है फेसबुक पे, दिन भर प्राइवेटाइजेशन की बात करता रहता है, लेकिन सरकारी नौकरी के लिए पैसे देकर वो क्वेश्चन पेपर भी खरीद लेता है, मतलब ये इस सोसाइटी का हम लोग क्या करेंगे, जो सुना हम तो समझ में नहीं आता है कि इससे कैसे बात करें और क्या समझाएं और इसको क्या कहें, मतलब तो कोई अगर बेच भी रहा है तो ये कैसे स्टूडेंट है जो खरीदने चले गए, इन्हें तो रिफ्यूज करना चाहिए कि हम नहीं लेंगे, लेकिन ये चले गए हैं, और कैसा है? इतना बड़ा स्टेट है, 8 करोड़ से ज्यादा की उसकी आबादी है, और वो एक एग्जाम क्रेडिबिलिटी के साथ नहीं ले सकता, यूपी के भी अखबारों में देख रहा हूँ, खैर यहाँ तो कुछ एक्शन भी हो रहे हैं, पकड़े भी गए हैं सब, आज के भी अखबार में दिखा कोई दरोगा परीक्षा की धांधली में कुछ लोग अरेस्ट भी हो रहे हैं, तो बहुत सारी गिरफ्तारियां हुई, तो पता चलता है कि बिहार और उत्तर प्रदेश और कर्नाटक में भी ये दरोगा भर्ती परीक्षा की खबरें आई हैं, राजस्थान से भी आती हैं, हर जगह से ही जहां कहीं एग्जामिनेशन होता है, तो इतना बड़ा देश है, एक अच्छी परीक्षा ढंग से हम परीक्षा नहीं ले पाते, जिसपे सबका ट्रस्ट हो, चलो मेरा हुआ हुआ, नहीं हुआ नहीं हुआ कोई बात नहीं, लेकिन इस परीक्षा में कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता है, 4 साल से बोलता रहा लेकिन यूथ ने ही लेट डाउन किया उस इशू को, तो छोड़ दिया, फिर मैंने क्या करना है, मुझे वोट तो लेना नहीं है, और मैं हमेशा कहता हूँ कि नौजवानों दूर रहो मुझसे, मैं कम्युनल और कास्टिस लोगों से ताली भी नहीं चाहता, मैं बड़ा क्लियर हूँ अपने लाइफ में, मैं अकेला पर कई लोग बोल रहे हैं कि रवीश कुमार यू शुड स्टैंड फॉर इलेक्शंस, वोट मांगिए, वोट नहीं देंगे, 5 वोट नहीं देंगे, ये जो कह रहे हैं ना वही वोट नहीं देंगे, इसलिए मैं इन चक्रों में नहीं पड़ता, और इलेक्शन बिग मनी का खेल हो गया है, इन लोगों की भागीदारी, हाँ, और उसमें हम लोग कहाँ जाएंगे, हम लोग नहीं टिक पाएंगे, ऐसी बात नहीं है कि कोई गाली भी दे रहा है, कमाल है भाई, बहुत अच्छी बात, तो खैर गाली देने वाले देते रहिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन Guys, गाली मत दीजिए, इट्स अ क्लीन प्लेटफॉर्म, इफ यू अब्यूज आई विल ब्लॉक यू एंड टेक यू आउट, अरे वो आएंगे अभी इंस्टा पर भी उनकी नजर है कि इसको कैसे कंट्रोल किया जाए फेसबुक और यूट्यूब के बाद, सो वो आएंगे, आने दीजिए, और तो इस तरह से बहुत पेन में है हमारा यूथ, बहुत डिस्ट्रेस में है, लेकिन समझ में भी नहीं आता कि फिर वो रास्ते की बात क्यों नहीं करता है, क्यों उसका हर लॉजिक किसी कास्ट में किसी कम्युनल एंगल में जाकर अटक जाता है, तो शायद हो सकता है कि वो अपने अनुभवों से सीखेगा, तो अब क्या ही कर सकते हैं, तो इसलिए आप देखिए नेताओं का कॉन्फिडेंस, अनएम्प्लॉयमेंट पे तो दोस्त मैं दिन रात शो पे बोलता रहता हूँ, यहाँ रहने दो, कि एग्जामिनेशन सिस्टम को उन्होंने नहीं ठीक किया, 2017 में 18 में मैंने महीनों जॉब सीरीज चलाया, मुझे लगा कि सारी सरकारें वोट लेने के लिए यूथ को खुश करने के लिए ये रिफॉर्म कर देंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि उनको मालूम है, अब मैं समझ गया कि इन यूथ को अगर वोट लेना है तो किसी मस्जिद के सामने एक रैली को गुजार देनी चाहिए, और किसी मंदिर के सामने वो जो होता है कोई मांस फेंक दिया है, कोई मस्जिद के सामने मांस फेंक दिया है, मैं किसी से कह रहा था कि 125 साल पहले ये चीज होती थी,
मस्जिद के सामने किसी चीज का मांस फेंक दिया, मंदिर के सामने किसी चीज का मांस फेंक दिया, शहर में दंगा हो गया। और ये अभी भी लोग ट्राई कर रहे हैं, और अभी भी लोग नहीं समझ रहे हैं कि ये कोई फेंकता ही ऐसा है कि लोग ये सोच के कि लोग दंगा करेंगे या आग बबूला हो जाएंगे, और वो हो भी जाते हैं। मतलब इतना आसान है, तो जब अगर जनता को इतना आसान है मोल्ड करना, तो फिर ये एग्जामिनेशन सिस्टम ठीक करना, ये इतनी मेहनत कोई क्यों करेगा? क्यों इतना हर कोई प्राइम टाइम करेगा जब डिबेट से जर्नलिज्म हो ही जाता है? तो ये वो वाली बात है। तो मुझे लगता है नेता लोग हमारे युवाओं को ठीक समझते हैं, वो जिस लायक है उस लायक की पॉलिटिक्स उनको दे देते हैं, और युवा लोग जो है वो प्रूव कर देते हैं कि हाँ सर हम इसी लायक थे, हम जॉब वॉब की बात बेकार कर रहे थे, दरअसल हमारा पॉलिटिकल ट्रिगर जो होता है वो कास्ट और कम्युनल वाली बातों से होता है। वो आप इस शहर में जितने भी नाम अंग्रेजों पे हैं या मुगलों के नाम पर, उन सबको बदल दीजिए तो हम ज्यादा अपने आप को गर्व करेंगे। तो मैं क्या कर सकता हूँ उसमें, बहुत मुश्किल है। इसलिए मैं फेसबुक पे लिखता हूँ बाकायदा कि मुझे हीरो बनना ही नहीं है यूथ का, और खासकर ऐसे यूथ का जो कम्युनल हो, कास्टिस्ट हो, मुझे तो उसकी ताली भी नहीं चाहिए। कोई ऐसा है देश में जो ऐसे रिफ्यूज कर सकता है? मैं करता हूँ ना, क्या मिलेगा? ये गाली देने वालों से क्या चाहिए? समाज से जो समाज गालियां देता हो लिख के महिला पत्रकारों को, उस समाज से शोहरत लेके मैं करूंगा क्या? तो मैं उसी को वापस कर देता हूँ। तो क्या अगली पीढ़ी की युवा have we lost them, रवीश? कुछ लोग मिलते हैं जो बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत उनकी थिंकिंग, उनका कॉम्प्रिहेंशन और चीजों को समझने की एबिलिटी बहुत ज्यादा है, पर ऐसे बहुत कम लोग हैं हमारी सोसाइटी, या शायद मैं तो इसी समाज को देखा हूँ, दुनिया के किसी और समाज को तो मैं नहीं जानता। वो ट्रेडमिल वाली सोसाइटी है, एक प्रोडक्ट बना रही है, सबको इसी तरह का होना है और सब उसी तरह का हो रहे हैं, और मुझे बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है। लेकिन ऐसा इनसे घबराने की जरूरत नहीं है, इनको कम्युनल ए ग्रेड का दे दीजिए या बी ग्रेड का दे दीजिए, उस हिसाब से ये वोट दे देंगे। तो कुछ ज्यादा युवाओं को लेके इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। जो अच्छे यूथ हैं वो समझ रहे हैं कि मैं क्या बोल रहा हूँ, किसके बारे में बोल रहा हूँ। वो लोग भी अपने दोस्तों के साथ फाइट करते हैं, बात करते हैं, वो लोग भी मेरी ही तरह फील करते हैं कि कोई सुनता ही नहीं, आपका नाम लेते हैं तो ग्रुप से बाहर कर देता है। ये भी होता है, ग्रुप से बाहर कर दिए जाते हैं जो भी मेरा नाम लेता है। पर मैं कैमरा और कैसे एडजस्ट करूं बताओ, कोई कह रहा है एडजस्ट करने के? अभी ठीक है। अच्छा तो नहीं, ठीक है, बात है कि हम में से किसी ना किसी को तल्ख बात करनी होगी, ताकि ये तल्ख बात ही मैं कर रहा था कि जो यूथ हैं वो काट कुट के ये सब वायरल वायरल करते रहें जो कर रहे हैं, उसे कोई मुझे ज्यादा चिंता नहीं है। कि यूथ थोड़ा सा सोचिए कि आपने एक बहुत लंबे दौर तक कास्ट की पॉलिटिक्स की और बहुत लंबे दौर तक कम्युनल पॉलिटिक्स की, इन दोनों से नेट रिजल्ट आपको क्या मिला, आप तो बता दो। कुछ तो हिसाब किताब किए होंगे लाइफ में, तो वो बहुत मुश्किल है। और ये फैमिली से इसको कंस्ट्रक्ट किया जाता है, तो कितने लेवल पे इस बीमारी से हम दूर रह सकते हैं? हमारा यूथ पता नहीं, खासकर मेल यूथ से तो मैं बड़ा ये रहता हूँ, इनसे शादी कोई कैसे कर लेता है मुझे आज तक हैरानी होती है। पर मिडिल क्लास इंडिया, रवीश, मिडिल क्लास इंडिया इज आल्सो साइलेंट। जो जो हो रहा है, प्राइस राइज, अनएम्प्लॉयमेंट, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, क्यों? वो इसलिए साइलेंट है कि वो उसमें कॉम्प्लिसिट है, वो दिन रात इसी के लिए तो मेहनत कर रहा है कि समाज ऐसा हो जाए। जो समाज बना रहा है वो अपने घर में भी तो वही समाज बनाता है ना। वो इतना कोअर्सिव है, उतना फेक है। रिलीजन के मामले में भी वो ऑनेस्ट नहीं है, मन से पूजा भी ढंग से लोग नहीं करता है। चार लोग पूजा करेंगे फिर आके गलत काम करने लगेंगे, तो मुझे तो ये समझ में नहीं आता है कि आप पूजा करते हुए भी गलत काम कैसे कर लेते हो। हर गलत काम करने वाले का मैं कई बार देखता था कि जो गलत काम करने वाले हैं, जो गलत तरीके से जिंदगी बनाई, उनके घर में पूजा का सामान ज्यादा है। तो मैं यही सोचता था इनको भगवान से कभी डर ही नहीं लगता क्या? हमसे तो कभी गलती हो जाती तो सबसे पहले डर ऊपर वाले का ही लगता होगा कि अरे बाप रे बाप, क्योंकि पहले अंतरात्मा में लगता है कि कोई तो जान रहा है, मैं ही जान रहा हूँ सबसे पहले। तो ये सोसाइटी हर लेवल पे ऐसे कॉन्ट्राडिक्शन को जो डाइजेस्ट कर जाती है।
करप्ट प्रैक्टिसेस को डाइजेस्ट करने में इस सोसाइटी का जवाब नहीं। वाइल इस देश के मैं एक चीज समझ गया, लोगों ने पूछा इतनी हिंसा क्यों है, तो मैं कहता हूं कि हमारे 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 समाज में लोगों को प्यार करना नहीं आता है। वो प्यार और प्रेम के नाम पे पूजा कर देंगे, शहर में मेला लगा देंगे, कार्ड भेज देंगे, लेकिन उनको प्यार करना नहीं आता। वो सेंसिबिलिटी जो इम्पथी है प्रेम के लिए, प्रेमी बनने के लिए, वो ज्यादातर लोगों में नहीं है। वो वायलेंस के थ्रू, हेट्रेड के थ्रू अपने लव को एक्सप्रेस करेगा और डांट देने के बाद कहेगा मैं तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार करता हूं इसलिए डांटा, तुम मुझे गलत मत समझो, अपना समझता हूं इसलिए डांटा। तो इसलिए समाज की जो कंडीशनिंग है वो बहुत दूसरी है। मुझे तो लगता है कि मैं कभी देखता हूँ कुछ लोगों को, मिलता जुलता रहता हूँ, तो पता नहीं, मैं बार बार टेस्ट करता रहता हूँ कि इसके अंदर कंपैशन है कि नहीं। इस धरती पे बुद्ध हुए, बुद्ध ने इतनी खूबसूरती से कंपैशन, करुणा को समझाया है, वही लोग समझ लेता तो उनकी जबान से हिंसा की बात नहीं निकलती। और इतनी बात नहीं निकलती, इतनी लंबे दौर तक नहीं, 24 घंटा ये जो टेलीविजन की भाषा है, मैं पूछना चाहता हूँ जो भारतीय संस्कार परंपरा की बात करते हैं और जो लोग देखते हैं, क्या वो अपने घर में किसी को भी इस तरह से बात करने की अनुमति देंगे? नहीं देंगे ना। तो उन्हें वे एक एंकर क्यों पसंद है जो स्क्रीन पर आके सबको डांट के चुप करा रहा है? क्योंकि यही काम वो जो रिटायर्ड अंकिल मैं बोलता हूँ वो अपने घर में कर रहे होते हैं कि अपनी बहुओं को डांट डांट के चुप करा रहे होते हैं। तो दरअसल वो जो एंकर है और जो ये रिटायर्ड अंकिल है या घर का फैमिली हेड है या जो भी घर में पावरफुल है, फैमिली हेड हेड का रोल और काउंट बदलता रहता है अलग अलग समय में, एक ही समय में 4 लोगों के बीच वो रोल रोटेट करता है। कोई अगर किसी काम को कर दिया है उसमें इनिशिएटर है तो उसकी वजह से उस मोमेंट में वो फैमिली हेड हो जाता है, किसी ने पैसा दिया है तो उस मोमेंट में वो फैमिली हेड हो जाता है, और एक ऑफकोर्स एक जो बड़ा आदमी होता है वो होता ही है। तो ये सारे लोग घर में उसी एंकर का रोल प्ले करते हैं, लड़कियों को दबाने में या किसी को ज्यादा नहीं बोलना है। तो समाज घर के भीतर जब डेमोक्रेसी नहीं है तो वो आदमी कभी चाहेगा कि टेलीविजन के जरिए उसके घर में डेमोक्रेसी आ जाए? कभी नहीं चाहेगा। तो इसीलिए ज्यादातर लोग, करोड़ों लोग इस गोदी मीडिया को देखते हैं। पता नहीं, शर्म भी नहीं आती है कि देखते हैं, कैसे देखते हैं मुझे तो पता नहीं। और हम लोग इतने लोगों को जानते हैं जो देखते हैं रवीश, टू बी ऑनेस्ट, दैट्स द रियलिटी। पर मैं ये जानता हूँ कि जितने भी ऐसे लोग हैं वो जिंदगी में ना तो उन्हें प्यार मिला है ना उन्हें प्यार देने आया, वो दोनों तरफ से खाली। तो ये क्या करें, मेरे पास कोई और तरीका होता तो उनकी मदद करता, पर ये हमारे आपके बस की बात नहीं है। इसमें अरबों हजारों करोड़ का ये पैसा लगता है इलेक्शन सिस्टम में और मीडिया सिस्टम के जरिए ये सब किया जाता है, तो बड़ा मुश्किल है इसको। इट्स अ बिग गेम, बहुत बड़ी गेम है ये, बहुत बड़ी गेम है। रवीश, आपको मैंने आधा घंटा बोला था, टाइम आप हो गया, मगर आखिरी 5 मिनट में दो लाइट क्वेश्चंस पूछना चाहती हूँ। एक तो लाइट नहीं, थोड़े अलग किस्म के क्वेश्चंस। एक तो आपको बहुत इंटरेस्ट काउंसलिंग में है, आपने कहा था। हाँ, मैं इसलिए है कि कई बार लोगों को लगता है कि वो अपने एंगर को या अपने अपनी परेशानियों को ठीक से समझते नहीं है और ठीक से कहते नहीं है किसी के सामने। और चूंकि हम सबको घरों में सिखाया गया है, इस मामले में लड़कों को भी यही ट्रेनिंग दी गई है और लड़कियों पे ज्यादा कोर्शन हुआ है, लड़कों को थोड़े दूसरे तरीके से अच्छा लड़का बनने के फ्रेमवर्क में उन्हें चुप रहना सिखाया गया है, लड़कियों को दबाया गया है कि तुम बोल ही नहीं सकती। ये और बात है कि कैलेंडर में देवी हमारे यहाँ नारी की पूजा होती है, और अब ये बात नारियां भी कहती हैं कि नारी की पूजा होती है, उन्हें अच्छी तरह से मालूम है कि घर में उनकी पूजा नहीं होती है, लेकिन वो बाहर आके ट्विटर पे बोलेंगे कि नारी की पूजा होती है।
पर जरूर हमारे देश में कुछ परिवारों में बराबरी आई है, पर अभी भी ये मामला जो है थोड़ा बहुत ही एक्सक्लूसिव मामला है कि चंद कई करोड़ में आपको 10-20 हजार फैमिली भी ढंग से नहीं मिलेंगे जहां परिवार में हर लेवल पे बराबरी हो। तो इस तरह से लोगों को सप्रेस किया जाता है, तो किसी को बोलना नहीं आता, तो बोलने की जगह हम अज्यूम करते हैं कि आप ऐसी होंगे, हम ऐसे होंगे, और फिर आधी बातों को लेकर मैं एंगर पाल रहा हूँ या आप एंगर पाल रहे हैं, तो उसमें बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं। तो मुझे लगता है कि वर्क फ्लोर हो या लाइफ में, दोस्ती में हो, थोड़ी बातों को कहने का सलीका और कही गई बातों को समझने का ट्रस्ट, ये दोनों होना चाहिए कि क्यों हो रहा है, अच्छा उसने कहा भी है तो क्यों कहा है। थोड़ा सा अगर हम और बेहतर तरीके से समझे, बात करें, तो मुझे लगता है कि दो या चार लोगों का एक्सपीरियंस अच्छा होगा। और ये बहुत ज़रूरी है कि हम जहाँ भी काम करें, चार लोगों के साथ, 10 लोगों के साथ, एक दूसरे के एक्सपीरियंस को अच्छा बनाने में कंट्रीब्यूट करें, क्योंकि वो 10 लोग जिंदगी भर तो साथ काम नहीं करेंगे। सब अपने अपने, एक साल के बाद कोई, 4 साल के बाद कोई, 6 साल के बाद अपने अपने अलग अलग दिशाओं में चला जाता है। लेकिन जिस वक्त आप 10 लोगों के साथ हैं, अगर आप उसकी मेमोरी में पेन भर दें, इतनी पॉलिटिक्स आपस में करने लगें कि वो रात में उसको नींद ना आए, किसी को इतना हैरेस कर दें, ये खुद भी चेक करना चाहिए कि कहीं आपके व्यवहार से कोई दूसरा डिस्ट्रेस में तो नहीं जा रहा है। अगर आप इसी बात को चेक करने लग जाएं, तो दफ्तर में, दोस्तों के बीच, या फिर किसी बड़े बिजनेस सेटअप में बहुत सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। लोग, मैं चाहता हूं कि लोग काम करें, काम कितना करें ये तो कम करने का मेरे पास कोई जरिया नहीं है, ना उतना रिसोर्स है, लेकिन उसके दौरान अगर खुशी आए, लोगों में मजा आए, तो मुझे लगता है कि किसी भी काम का असली रिजल्ट वो है। तो इसलिए अब इस चीज पे मैं बहुत ज्यादा जोर देता हूँ कि बातें कही जाए। रुक के थोड़ा पूछता हूँ कि ये जो आपने कहा है ये क्यों कहा है, क्या मैं कुछ ज्यादा एक्सेस कर रहा हूँ, या यार चेक करो यार, कहीं मेरे अंदर तो किसी चीज को लेकर चिड़ तो पैदा नहीं हो रही, ये नहीं होनी चाहिए, तो वो भी मैं लिख देता हूँ, बात करता हूँ। तो सब लोग कहने, नहीं 100 के 100 के ये चलता है, तो हम उसमें लाइन बनाते रहते हैं, नहीं नहीं ये नहीं चलता, ये चलना नहीं चाहिए, ठीक नहीं है, इसे तुम्हें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे फर्क पड़ रहा है क्योंकि परेशान मैं हो रहा हूँ। तो मुझे लगा कि जब से हम इस दायरे में बातचीत करने लगे हैं, ज्यादा इवॉल्व फील करते हैं। तो अब मुझे लगता है कि बहुत लोगों को काउंसलिंग से परेशान नहीं होना चाहिए और मदद लेनी चाहिए। इससे वो एक रास्ता बता देते हैं कि आपको किस रास्ते पे जाना है, कैसे इस स्ट्रेस को हैंडल करना है। और हमें क्या मालूम था कि एक लाइन लिखने पे लाखों वायरल होने लग जाएंगे और अटैक होने लग जाएगा और गांव-गांव में वो थ्रेट बना दिया जाएगा, हमें तो मालूम नहीं था ना। इंडिया में ट्रोल होना और अमेरिका में ट्रोल होने में एक बहुत फर्क, बहुत बहुत फर्क है। ट्रोल होगा तो वो ट्विटर पे ही रहेगा। इंडिया में ट्रोल होने का मतलब है कि कोई आपके घर में घुस के या फिर कोई रास्ते में आपकी गाड़ी को रोक के कुछ कर सकता है, वो फिजिकल थ्रेट में कन्वर्ट हो जाता है। और यहाँ का सिस्टम कितना अच्छा है, तभी तो ये सारे डब भाग गए बाहर के देशों में बसने के लिए ना, क्योंकि वो यहाँ के सिस्टम से तंग आ गए, पुलिस से लेकर कोर्ट कचहरी, कहीं से उनको रास्ता नहीं मिलता है। तो 90% जो भागे हुए हैं इस देश से, वो इसी वजह से भागे हुए, और वहां जाके कहां तो उन्हें इस देश के नेताओं पर प्रेशर डालना चाहिए कि भाई ये सिस्टम सबके लिए इक्विटेबल बनाओ, जैसे अमेरिका में सबके लिए था, तो उसकी वजह से उन्हें कितना चैन मिला होगा। और यही वजह है कि उतनी हार्डशिप फेस करते हुए उन्होंने अपनी जिंदगी में इतनी प्रोग्रेस की। अब वहां का सिस्टम अगर यहां जैसा होता तो क्या वो इतनी तरक्की कर पाते, नहीं कर पाते। तो आप जो अच्छा सिस्टम देख रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में है, इंग्लैंड में है, वही सिस्टम बनाने के लिए इंडिया में क्यों नहीं प्रेशराइज करते, तो कितना लोग तरक्की करेगा बिना इस देश को छोड़ के गए हुए, बहुत लोग करेगा, पर वो तो है नहीं। तो बहुत तकलीफ हमने एक लोगों की जिंदगी में भर दी है और कोई किसी से कह नहीं रहा है, कहने का एक अपना ईगो भी है, फिर वो अपने आप को बहुत कमजोर नहीं दिखना चाहता है, लेकिन कहना सीखना चाहिए।
कहना तो पड़ता है। और बात करनी चाहिए एक दूसरे से। आई थिंक लोगों ने ये भी कम कर दिया है, बात करना कम कर दिया। आई थिंक सब जो निकलता है इट कम्स आउट इन अ वेरी एंग्री वॉइस ऑल द टाइम। हाँ, थोड़ा व्हाट्सएप से निकल के दोस्तों के साथ कंधे पे हाथ रखकर बात करनी चाहिए, अच्छा लगता है। और जब आप नजदीक से देखें, ह्यूमन से मिले, तो आपको फिर भरोसा होगा उस सोसाइटी में कि चलो ठीक है, इनसे ऐसे बात करते हैं, समझाते हैं, या फिर उनको समझने का मौका मिलता है कि क्यों इनके भीतर इतना गुस्सा भरा हुआ है, वो कितना जायज है, वो क्यों परेशान है। बहुत से शादी ब्याह के रिश्तों में मैं देखता हूँ, जब रिश्ते तय होते हैं तो आधी बातें दोनों एक पक्ष नहीं कह पा रहा है और आधी बात दूसरे पक्ष नहीं कह पा रहा है। शादी से पहले ही दोनों में लड़ाइयां हो जाती, तो क्या मजा आया, इतना सारा आपने शामियाना लगाया, बत्तियां लगाई, झालरे लगाई, इतने अच्छे अच्छे, तो थोड़ा बात करके क्लियर कर लो, जरा अच्छे से डांस करो। और जिस लड़के को डांस करना ना है, उस लड़के से शादी नहीं करनी चाहिए, लाइफ में कोई मजा नहीं। रवीश कुमार, डू यू लाइक डांसिंग? बाकायदा मुझे बताइए, डांस ट्रेनिंग लेनी चाहिए, ग्रूमिंग की ट्रेनिंग लेनी चाहिए कि कैसे एक इक्वल लाइफ में एक उसको हैप्पी बनाना चाहिए। हम सबको ये सब करना चाहिए, ऐसे ही जाके घोड़ी पे चढ़ के शादी कर लिए और पता ही नहीं कि फैमिली। आपको किसी ने बोला था वो आपको आके डांसिंग की ट्रेनिंग देंगे, कुछ ऐसी बात हुई थी पिछली बार, मेरे को याद आ रहा है। हम YouTube और स्पेस पे डांस की ट्रेनिंग दे देंगे, लेकिन फिर वो गायब हो गई। तो हमने सोचा कि इन्हीं से मैं डांस की ट्रेनिंग लेता हूँ। अच्छा डांस तो आना ही चाहिए। आप देखिए शादियों में किस तरह से लोग खराब, कितने खराब तरीके से डांस करते हैं, पूरा मजा खराब हो जाता है शादी का। कहीं मैं देखता रहता हूँ बालकनी से बारात जा रहा, किसी को डांस ही करने नहीं आ रहा। अरे भाई कुछ सीख लेते थोड़ा सा, जब यही लाइफ में तो यही लगता है कि ये करना ही करना, शादी का दिन आ रहा है, डांस करना, तो 10 दिन थोड़ी मेहनत भी तो कर लो ना। पांव कहीं और जा रहा, कमर कहीं और है, गर्दन कहीं और है। मतलब थोड़ा अच्छे से सलीके से डांस की कोई भी काम कीजिए, उसमें एक सलीका होना चाहिए, उसका तरीका मालूम होना चाहिए। मैं आपको ना रवीश किसी दिन पंजाब में लेके जाऊंगी, असली शादी दिखाऊंगी। वहां पे सबको आता है थोड़ा बहुत नाचना, और वहां पे ढोल ढोल सुनेंगे। पता है, जब हम रिपोर्टिंग के लिए पंजाब गए तो मैं शाम के वक्त जब रिपोर्टिंग करने के बाद शादियों में जाया करता था, ऐसे ही बोलता शादी में ले चलो, क्या फर्क पड़ता है, कोई ऐसे हिंदुस्तान में कोई किसी को धक्का मार के निकालता नहीं। तो आ गए तो आ गए तो आप खा रहे, तो मैं चला जाता था। तो मैं पंजाब में एक चीज गौर किया कि यहाँ की शादियों में जितने भी लोग आ रहे हैं वो सारे खुश हैं। हम अपने हिंदी बेल्ट की शादियों में ज्यादातर लोग मुंह लटकाए हुए आते हैं, पता नहीं क्यों, किस बात से नाराजगी लेके आते हैं, वो खुश नजर नहीं आते हैं, या फिर उनमें इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि ये सेलिब्रेशन हम डिजर्व करते हैं। पंजाब के लोगों में मैंने देखा कि ये इस तरह से लोग डांस वांस कर रहे हैं शादियों में, एकदम केयर फ्री होके कि ये सेलिब्रेशन मेरा बर्थ राइट है, डिजर्व करते हैं, क्योंकि दिन रात हमने खूब लेबर की है। तो मुझे लगता था यार ये पंजाब के लोगों को ना खुश रहना आता है, हम बिहार के लोगों को नहीं आता है, तो अगली बार पंजाब में पैदा होना है ताकि वहां जाए अच्छे से भंगड़ा पा लेना किसी शादी में जाके। मैं तो मेरे घर में रवीश सब हंसते हैं क्योंकि मैं बोल रही हूँ कि अब मेरे को ढोल ढोल बजाना सीखना है और मैं अपने बच्चों की शादी में ढोल बजाऊंगी। तो अब सब मेरे सारे बच्चे दुखी हैं, बट मैं सीखूंगी और आप नाचिए आके। और क्या, नहीं मैं ऐसे नहीं आऊंगा, मैं भी बाकायदा ट्रेनिंग लेकर आऊंगा, जरा अच्छे से डांस करूंगा। बिल्कुल बढ़िया है, दैट्स अ प्लान रवीश फॉर नेक्स्ट टाइम। या मतलब हमने इस पे जोर इसलिए दिया कि कई बार मैं बिहार के लड़कों से मिलता हूँ तो लगता है कि कितना कुछ अधूरापन है। हम लोगों में भी था, लेकिन किसी तरीके से निकल गए जिंदगी में। आप जैसे लोग मिले, बहुत सारे लोग मिले जिन्होंने थोड़ा थोड़ा कुछ 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 बताया और हम जानते चले गए, तो लगता है कि इनमें बहुत टैलेंट है, बहुत पेशेंस है बिहार के लड़कों में, और लेकिन वो खुल नहीं पाए हैं, थोड़ा सा कहीं खिल जाते, कोई उनको अच्छा सा डांस करना सिखा देता तो वो कमाल का उनकी, मुझे लगता है कि उनकी प्रोडक्टिविटी और ज्यादा और क्रिएटिविटी और सुंदर हो जाएगी। ये मेरा होप है उनके भीतर कि अगर वो अच्छा डांस करने आ जाए तो कभी भी वो रिलीजियस जुलूस में इस तरह के गलत व्यवहार नहीं करेंगे, क्योंकि फिर वो रिदम को इंजॉय करने लगेंगे, फिर उनको ये बात नजर नहीं आएगी कि सामने कोई मस्जिद है तो चल के उसमें भगवा झंडा फहरा देते। इसके लिए तो वो नहीं निकले हैं ना, इस निकले हैं इसलिए कि उस रिलीजियस फेस्टिविटी को एंजॉय करना।
तो एंजॉय करने का आप डिजर्व, आप अर्न कीजिए ना वो सारी एबिलिटी। कैसे एंजॉय करेंगे? अगर आप डांस कर रहे हैं तो आप भक्ति डांस के भी स्टेप्स होते हैं। ऐसा नहीं है कि भक्ति डांस आप किसी भी तरीके से कर लेंगे। शादी में भी वैसे ही टेढ़े डांस कर रहे हैं, फिर रामनवमी के जुलूस में भी टेढ़े डांस कर रहे हैं, तो ऐसे थोड़ी चलता है। तो वो आप अच्छे से अगर आप जाएंगे तो आप देखिए चैतन्य प्रभु का आप की तस्वीर देखिए, वो भी डांस कर रहे हैं लेकिन एक दूसरे ट्रांस में है। तो हमारे देवी देवताओं की जो मूर्तियां हैं डांस वाली, तो उसमें कितनी एकाग्रता है, रम गई, ऐसा लगता है कि कोई दुनिया जिंदगी के उस पार है। तो अगर ये मुझे लगता है कि अगर वो इन कमाल के लड़के लड़कियों को इसकी थोड़ी ट्रेनिंग दी जाए और एज ए सोसाइटी इसको ओपन कर दिया, हो सकता है सोसाइटी ओपन हो भी रही हो, मुझे क्या पता। मैं अब कम जाता हूँ शादियों में और बहुत कम जाता हूँ, मौका ही नहीं मिला कभी बिहार में जाकर, अभी तक तो गया नहीं हूँ, मतलब दिल्ली आने के बाद किसी की शादी में हिस्सा लेने के लिए बिहार नहीं गया, तो मुझे उतना आइडिया नहीं है। लेकिन मैं गेस कर रहा हूँ कि ये सब चीजें पर्सनालिटी को सुंदर बनाती हैं। आई शुड एंड यहीं पे रवीश, इसी हैप्पी नोट पे जैसे कहते हैं। मुझे पता है कि बहुत लोग कंप्लेन कर रहे हैं कि रवीश ने उनके क्वेश्चंस का जवाब नहीं दिया, मगर आई थिंक अगली बारी आई विल गेट यू ऑन द शो जस्ट टू आंसर क्वेश्चंस। अपना कुछ ना बोलिएगा, इनके सवाल के जवाब दीजिए। किसी ने लिखा है रेमो डिसूजा से ट्रेनिंग लेने के लिए, अभी पता नहीं कहाँ मिलेंगे रेमो डिसूजा भाई। अगर आप चलिए आपको मिलेंगे तो मुझे भी ले जाइए रवीश। कहीं मिल जाएंगे। अब देखिए यहाँ लाइट बात कर रहे हैं, बिहार के लड़के यही लिख रहे हैं कि बिहार की परीक्षा की बात की। बड़ा दुख होता है कि मतलब इनकी जिंदगी को एक सिस्टम ने कितना बेकार कर दिया है। कहाँ तो मैं इनको डांस करने के लिए बता रहा हूँ, लेकिन ये मेंटली फ्री नहीं है। वो बीपीएससी एग्जामिनेशन सिस्टम ने बिहार के लड़कों को इतना उनका मनोबल तोड़ दिया है कि उन्हें रात दिन रात ये अच्छी नहीं लगती होगी ये सारी बातचीत। मैं इनको येसुदास का गाना सुनाऊंगा तो वो भाग जाएंगे, कहेंगे मेरे परीक्षा के पहले कुछ कीजिए। तो सो हर कोई एक दूसरे में फंसा हुआ है। कभी ठीक होगा, ऐसी बात नहीं, होगा ठीक होगा, चीजें बदलेंगी। जाते वक्त रवीश एक चीज बताइए, एनी रिग्रेट्स ऑफ योर जर्नी, कुछ आप अलग तरीके से कर सकते थे? बहुत सारा है रिग्रेट्स की लंबी सूची है, पर ऐसा एक दो तीन में बताना बड़ा मुश्किल है। हाँ मुझे लगता है कि थोड़ा मुझे ये आना चाहिए था कि काम से थोड़ा ब्रेक लेके फैमिली के साथ इंगेज करते, उनकी बातों में मैं घुसा रहता थोड़ा सा ज़्यादा, जो अब मैं कर रहा हूँ तो थोड़ा पहले करता। लेकिन हर किसी का फॉर्मेटिव ईयर्स, मैं समझता भी हूँ कि बहुत लोगों की जिंदगी इस देश में, ज़्यादातर लोगों की ज़िंदगी ऐसी ही होती है कि जब आप एक ट्रेडमिल पर होते हैं, कुछ हो रहा होता है, कुछ कर रहे होते, तो ये सारी चीज़ें छूट जाती हैं। पर मैं हमेशा कहता हूँ लोगों से कि कोशिश कीजिए कि ये सारी चीज़ें ना छूटें, फिर अच्छा रहेगा। थैंक यू आज टाइम निकालने के लिए। मैं बहुत पीछे पड़ी रही, मुझे पता है, मगर आई रियली वांटेड टू हैव दिस एपिसोड विद यू। ऑलवेज लवली टू हियर यू स्पीक रवीश, बहुत अच्छा लगता है आपको सुनते हुए। और आई होप कि आप थोड़ा फ्री टाइम निकाल सकें, क्योंकि फ्री टाइम इज इम्पोर्टेंट फॉर एवरीबडी। और किताबें पढ़ें, किताबें लिखें। ठीक है, ओके, बाय, थैंक यू, सबका बहुत सारा आभार, उन्होंने हम लोगों की बातचीत सुनी। थैंक यू निजाम साहब, बाय देवांश, बाय बाय।